श्री शिवाय नमस्तु भयम्। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन आप भूल से भी ना करें, ये गलती, भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। वैसे तो भगवान भोले भंडारी किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे वह कौन सी बातें हैं। देखिए दोस्तों, सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रही है, इसलिए सावन इस साल विशेष है। इसकी समाप्ति भी सोमवार को 19 अगस्त 2024 को होगी। शिव भक्त सावन के हर सोमवार का बेसब्र से इंतजार करते हैं। इस साल श्रावण में 5 सोमवार सावन सोमवार का महासंयोग बन रहा है। सावन के आरंभ होते ही सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान योग का सहयोग बन रहा है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा का 3 गुना फल प्राप्त होगा। सावन सोमवार का व्रत करने वाले साधक को पूरा दिन फलाहार करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फल स्वरूप भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। सावन सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार के लिए समर्पित है। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भोले भंडारी से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। अपने भक्तों की भक्ति को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप देखोगे कि पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत सबसे ज्यादा रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिवजी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिवजी के नाम का व्रत रखते हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ विशेष नियम और कायदे भी है जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत टूट जाता है और साथ ही शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी सोमवार का व्रत आप रखें तो कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन भूल से भी अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला ही करना चाहिए। अगर आपको बिना नमक के रहा नहीं जाता है तो आप बहुत ही कम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी आपको किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के घर के बड़ों की माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी को आप कोई भी हो, बहन हो, बहनोई हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन चुप रह जाना बेहतर है। कभी भी क्रोध और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो शिवजी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता है। तीसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। सोमवार के दिन व्यक्ति को शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन व वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले, नीले, कथई व जामुनी रंग के वस्त्र धारण ना पहने। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी है कि सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिवजी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए।
भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करें, दूध दही घी शक्कर और शहद आदि से अभिषेक करें, क्योंकि शिव महापुराण में पंचामृत अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप सोमवार के व्रत में करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ता है। सोमवार के दिन बुरे कार्य जैसे कि जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना भी आपको पाप का भागी बना सकता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है, क्योंकि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिवजी के साथ ही शिवजी के परिवार शिव परिवार भी नाराज होते हैं, उनके भूत गण तक रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में शंख से जल अर्पित करने से बचना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। मतलब आपको पूरी परिक्रमा कभी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार के दिन दिन में भूलकर भी न सोएं। सावन के पूरे महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी न करें। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेल के पत्तों को तोड़कर शिवजी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो इसलिए एक दिन पहले से ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। इसी के साथ जिस वस्त्र को धारण करके पहले आपने शयन या भोजन किया हो उसे धारण करके भोलेनाथ का पूजन अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में भूलकर भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केतकी के फूल को शिवजी का शाप है कि उन्हें शिव पूजा में इस्तेमाल करना वर्जित रहेगा। मन और वाणी की पवित्रता का ध्यान रखें। बुरे विचारों को मन में न आने दें। आप शिव भक्त हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि देवाधिदेव महादेव की आप और आपके परिवार पर सदैव कृपा बरसती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वास्तु व्यूज, जहां पर मिलती हैं हिंदू धर्म कर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।